in series, combination in series, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन करें एक ही सर्किट में, यानी कि डिवीजन ऑफ सर्किट ना हो, एक ही सर्किट से सारे ही रेजिस्टेंस अगर कंबाइंड हो, तो हम कहेंगे कि ये वो जो सारे रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में कंबाइंड है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी से ही ये वायर निकली और इसी वायर में पहला भी रेजिस्टेंस सेट है, दूसरा भी रेजिस्टेंस सेट है और तीसरा भी रेजिस्टेंस इसी वायर में सेट है। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये सारे ही रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल पाएं, यानी कि एक तरीके से टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में है उसको किस तरीके से हम डिराइव करेंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, तो आगे चलते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर जो V1 है वो रेजिस्टेंस 1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, वहीं जो R2 रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और जो R3 है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे ही रजिस्टर जो हैं उनके अपने पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो V बनता है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इज इक्वल टू IR, ठीक। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको क्या बनाएंगे, V को लिख सकते हैं IR। अब V1 को क्या लिखेंगे, क्योंकि I रहता है कांस्टेंट, I की वैल्यू सभी को बराबर मिलती है, तो ये हो जाएगा IR1, IR2 एंड IR3, ठीक। अब क्या हो जाएगा, I हम जैसा कि देख पा रहे हैं यानी कि करंट की वैल्यू तीनों में ही कॉमन है, तो I हम ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 IR। ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट, किस में कनेक्ट है, सीरीज में। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। यानी कि अगर R इक्विवेलेंट, यानी कि अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालने की बात आए, तो हम सीरीज में अगर ये सारे ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो केवल उन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हम यहाँ पे केवल 3 रजिस्टर जोड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पे जो RS यानी कि R इक्विवेलेंट जो कि सीरीज में कनेक्टेड है उसकी जो वैल्यू आई है वो आया है R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अगर यही रेजिस्टेंस 5 या 6 होता तो इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू कर सकते थे, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डैश 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 आगे भी जा सकता था। ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे कि आपको फार्मूला डिराइव करना है कि अगर 3 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हो सीरीज में तो इस सिचुएशन में R इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होगा, उसको डिराइव कीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पीछे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।